नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी डबल आई सी में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम हाई कोर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतरिम आदेश के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या आदेश दिया गया है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, और साथ में ही कोर्ट का जो निर्णय है और आगामी कार्यवाही ओबीसी के 27% आरक्षण से संबंधित होने वाली है, इसके संबंध में भी काफी कुछ अपडेट आज देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि CMIE की रिपोर्ट है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर पर आधारित है। क्या रही है देश में बेरोजगारी दर और कौन रहा है नंबर टॉप पर और किसमें रही है सबसे कम बेरोजगारी, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो अपडेट है उसमें ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है, क्या अंतरिम आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा जो कि आगामी सभी परीक्षाओं को भी प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, MPPSC में ओबीसी को अभी 14% आरक्षण ही मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर अंतरिम आदेश देते हुए सरकार से कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 यानी कि MPPSC में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27 की जगह 14% ही रिजर्वेशन दें। जस्टिस शील नागू व जस्टिस MS भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27% आरक्षण की बात शिवराज सरकार ने कही थी, लेकिन कोर्ट कुछ अलग ही दिशा में बात करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में समान प्रकरणों में दिए गए अंतरिम आदेश के तहत ही ये अंतरिम राहत दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को अन्य प्रकरणों के साथ संलग्न करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कई बंच प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है, इसलिए परीक्षा परिणाम घोषित करने के दौरान अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। चलिए दोस्तों ये तो हुई हाईकोर्ट की बात, और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। और साथ में ही जैसा हम सब जानते हैं कि ओबीसी के शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं। अभी हाल ही में पुलिस बल का प्रयोग किया गया था और उसके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास लगातार किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम IME की रिपोर्ट की, जिसमें कि बेरोजगारी दर की बात कही गई है, क्या रहा है उसका कारण, तो आप जानें ये छोटी सी जानकारी। देखिए दोस्तों आपके सामने है CMIE की रिपोर्ट के देश में बेरोजगारी दर 7.83% और हरियाणा में सर्वाधिक 34.5%। अप्रैल में बड़ी बेरोजगारी और मार्च में घटी थी। तो दोस्तों इस प्रकार की बात यहां पर कही गई है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि शहरों में बेरोजगारी दर 9.22% हो गई है, जो मार्च में 8.28% थी यानी कि इंक्रीज हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है। अब दोस्तों यदि हम इन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो है हरियाणा में, जहां पर 34.5% है। दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा बिहार, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा है गोवा का। जबकि सबसे कम बेरोजगारी की दर में हिमाचल प्रदेश 0.2%, छत्तीसगढ़ 0.6%, असम 12%, ओडिशा 15%, गुजरात 16%। इसका मतलब यह है कि जो मध्य प्रदेश है वो इन दोनों ही डेटास के कहीं बीच में है, तो यहाँ भी बेरोजगारी की दर काफ़ी अधिक है। और इसके जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों, तो वो कारण है कि 2 साल से सरकारी नौकरी नहीं के बराबर मिली है और मध्य प्रदेश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा है रूस व यूक्रेन युद्ध की वजह से हरियाणा के कारोबारी क्षेत्र पर असर पड़ा है, इसलिए वहां पर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा आई है। और तीसरा कारण है कि पिछले दिनों से लगातार बिजली कट के कारण औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट अपडेट थी, अच्छी जानकारी थी जनरल स्टडी की दृष्टि से भी, और हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की परिस्थिति को रोजगार के अंतर्गत जानने की। तो दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि 14% आरक्षण की ही बात हाईकोर्ट बार बार करता है, और निश्चित रूप से दोस्तों आगे की जो कंडीशन है वह कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के नहीं आने वाली है, ये भी हम लोगों को स्पष्ट दिखता है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी यदि गवर्नमेंट अच्छे तर्कों के साथ में अपने डेटास को प्रस्तुत करती है जैसा कि कहा गया, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।